आप घोड़ा बन जाओ, हमको पीठ पर बिठाओ, सब दिखाए आओ। तो हनुमान जी के भजन में बाधा पड़ी, इसलिए थोड़ा नाराज हुए। हनुमान जी ने कहा, हटो, भजन में बाधा डाल दिए तुम लोग आकर के। तुम्हारे घर में कोई घोड़ा हाथी की कमी है जो मैं घोड़ा बनूं? एक से एक अद्भुत घोड़े हैं तुम्हारे, उन पर बैठ करके जहां चाहो घूमाओ। धरती पर ही चलने वाले नहीं, आकाश में चलने वाले भी घोड़े तुम्हारे यहां, उन पर चले जाओ। छह भाइयों ने कहा, हनुमान जी नाराज मत होइए, वो घोड़े पर बैठकर हम नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ चलेंगे, आप घोड़ा बन जाओ, पीठ पर हमको बिठा के ले चलो। हनुमान जी के भजन में बाधा ज्यादा पड़ गई थी, इसलिए हनुमान जी थोड़ा नाराज हो गए थे। हनुमान जी ने कहा, नहीं मानते हो तुम लोग, मैं घोड़ा क्यों बनूं? मैं तुम्हारा नौकर हूं कि तुम्हारे बाप का नौकर हूं? अब जल्दी में हनुमान जी के मुंह से तो निकल गया। तब तक भरत जी के बेटे तक्ष ने कहा, हनुमान जी आपका परिचय दरबार में कोई नया व्यक्ति पूछता है तो अपना परिचय क्या बताते हैं? बोले, बताते हैं, दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्या नाम निहंता मारुतात्मजः। अपना परिचय ये बताते हैं, भगवान कौशलेंद्र सरकार राम जी का मैं दास हूं। महाराज, दास तो नौकर को ही कहते हैं, और राम जी हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं। यहाँ ताऊ जी बोलते हैं, उधर अयोध्या जी में बड़े पिताजी बोलते हैं। तो आप हमारे बड़े पिताजी के नौकर हैं, तो बाप के नौकर नहीं हुए क्या? हनुमान जी ने कहा, ज्यादा मत बोलो बच्चों, ये तो हम सभ्यता से कह देते हैं कि दासो हम कौशलेंद्र से। वास्तविकता ये है कि राम जी से पूछो तो वो कहते हैं, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तेरे उपकारों से मैं इतना दबा हुआ हूं कि तेरे सामने मैं अपना मुंह उठाने लायक भी नहीं हूं। अच्छा, ऐसे दबे हुए हैं राम जी हमारे? हमारे बड़े पिताजी आपके उपकार से इतने दबे हुए हैं क्या? क्यों दबे हुए हैं? बोले, कर्जा खाए। हनुमान जी ने कहा, कर्जा खाए? अरे महाराज, हमारे प्रभु कर्जा खाए? तो उस समय पुष्कल ने कहा, अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, कितना कर्जा है? हीरे की माला फट से निकाला गले से और कहा, लो, पट गया कर्जा कि नहीं पटा? और चाहिए? और सब भाइयों के गले में कीमती कीमती माला, सब ले लो, पट गया कर्जा? बोले, ये कर्जा नहीं है। तुम लोग जानते नहीं हो बच्चों, लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, उनका प्राणांत होने को था, उस समय वो बचते नहीं, लेकिन राघव का दुख देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मैं जा करके धौलागिर पर हिमालय के ऊपर से पहाड़ उठा के लाया और बूटी के द्वारा उनका प्राण उस समय बचाया गया। ये कर्जा है, पटा पाओगे? हनुमान जी ने जरा जोर से कहा, ये कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर, पटा सकते हो? सुबाह सुतसेन ने कहा, भैया पुष्कल, ये कर्जा पटाना जरूरी है, ये नहीं पटाया जाएगा तो हनुमान जी हमारी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। तो पुष्कल ने कहा, क्या करें? तक्ष ने आंख से इशारा किया, ऐसा करना। तब तक पुष्कल ने एक धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी की छाती में तड़ाक से मार दिया, गिर गए बेहोश। लगा कि अब प्राणांत हो जाएगा। दूसरे भाई ने, तक्ष ने एक बाण मारा हिमालय के ऊपर, और वो बाण सीधा गया हिमालय के ऊपर और धौलागिर पर जाकर के संजीवनी बूटी का पत्ता तोड़ करके नोक में फंसा करके, और वो बाण वापस आया और लेकर के तक्ष पुष्कल दोनों भाई जल्दी जल्दी मसल करके हनुमान जी के मुंह में उसको निचोड़े। बोले, हनुमान जी उठ जाओ उठ जाओ, बूटी पिला दिया हमने। हनुमान जी उठ गए। हनुमान जी, आपको भी शक्ति बाण लग गया था, आप भी मरने के करीब पहुंच गए थे, और हमने हिमालय से बूटी ला करके आपको जिंदा किया है,
बाप का कर्जा पट गया, घोड़ा बन जाओ। हनुमान जी ने सोचा ये बच्चे हैं कि आफत है, बिल्कुल इनसे तो बात करना मुश्किल। लेकिन हनुमान जी ने सोचा इतने जल्दी हार मान लेंगे तो ठीक नहीं, इनसे पिंड छुड़ाना। हनुमान जी ने कहा बच्चों इतने से कर्जा नहीं पट गया है, और भी कर्जा है। वो कौन सा ऋण है? बोले एक बार राम और लक्ष्मण दोनों को अहिरावण पाताल में ले गया, और पाताल में ले जा करके वहां भद्रकाली के मंदिर में वो बलि चढ़ाना चाहता था, राम लक्ष्मण को काटना चाहता था। तो वहां जब काली के सम्मुख वो बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया अहिरावण, तो उस समय मैंने जा करके अहिरावण को मारा और राम लक्ष्मण दोनों को निकाल करके पाताल से धरती पर मैं ले आया। ये कर्जा पटा सकते हो? सुबाहु श्रुतसेन ने कहा भैया तक्ष अब ये भी कर्जा पटाना पड़ेगा। इसको कैसे पटाएं? तब तक छह भाइयों ने एक साथ बाण चढ़ाया अपने धनुष पर, छह भाई एक साथ बाण चढ़ाए और धरती पर नीचे जोरों से छोड़े खींच करके, और धरती में बहुत विशाल छेद पाताल तक हो गया। फिर छह भाइयों ने कहा देखते क्या हो, एक साथ हनुमान जी को मारा धक्का और हनुमान जी सीधे पाताल में गए। हनुमान जी पाताल में चले गए। फिर छह भाइयों ने कहा भाई निकालो निकालो जल्दी निकालो, तभी तो कर्जा पटेगा। अब छह भाइयों ने बाण मारा नीचे, वो छह बाण नीचे से जाके हनुमान जी के नीचे सब फंस गए और हनुमान जी को उठा के लाए और बाहर पटक दिए। हनुमान जी आप भी पाताल में चले गए थे, वहां कोई अहिरावण था नहीं इसलिए हमने मारा नहीं। कैसे गए इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन चले गए थे आप, वहां से निकाल के बाहर हमने किया है, बाप का कर्जा पट गया, जल्दी से आप घोड़ा बन जाओ। हनुमान जी ने कहा बहुत परेशानी है, अब क्या करें। भागे उठ के हनुमान जी और जा करके राम जी के सम्मुख चरणों में गिरे, त्राहिमाम त्राहिमाम। सारी सभा सतर्क हो गई, हनुमान जी त्राहिमाम बोलते हैं इसका मतलब कोई भयंकर संकट, शत्रु ने कहा सेनापति चारों तरफ अंतरिक्ष में जाकर के देखो कौन सा शत्रु आया। चारों तरफ से घूम करके सेनापति आए और बोले हनुमान जी ये कैसा विनोद कर रहे हो, कोई शत्रु कहीं नहीं। हनुमान जी ने कहा शत्रु होता तो हनुमान त्राहिमाम बोलता क्या? हनुमान जाके शत्रु से भिड़ता। फिर महाराज त्राहिमाम क्यों बोले? बोले मुझे थोड़ा अहंकार हो गया था और प्रभु के बच्चों ने मेरा अहंकार दूर कर दिया, इसलिए आत्मरक्षा के लिए प्रभु के चरणों में मैं गिरा हूं और त्राहिमाम बोल रहा हूं। तब तक महाराज वो छह बच्चे दौड़ते दौड़ते सब दरबार में आ गए। अब उनको मर्यादा का ख्याल छोटे बच्चों को तो रहता नहीं, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं और सब छह बच्चे चढ़ाए, और कोई पीठ पर लद गया, कोई कंधा पकड़ लिया, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई बगल बगल से हाथ पकड़े हैं, कोई राम जी का मुंह घुमा रहे हैं और कोई मस्तक पकड़े हैं। बड़े पिताजी बड़े पिताजी, ताऊ जी आज क्या घटना घटी आपको मालूम है? बोलो क्या बात है बेटा? हनुमान जी ने कहा है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। और जब बच्चों ने ये बात कहा तब तो हनुमान जी बिल्कुल लज्जित हो गए कि मेरी शिकायत यहां तक आ गई। अब भगवान हनुमान जी को संकोच में नहीं देखना चाहते, इसलिए ठाकुर जी ने कहा हनुमान जी बच्चों की बात छोड़ो, बच्चों का मन रखने पर बड़ा पुण्य होता है, इनको पीठ पर बैठा के घुमा ले आओ थोड़ी दूर। हनुमान जी की पीठ पर एक एक हाथ के लंबे लंबे बाल, बिल्कुल गद्दा जैसी पीठ। जब ये बच्चे छोटे छोटे बहुत छोटे थे ना, गोद में थे, तो कोई बच्चा रोता था तो हनुमान जी कहते थे मांडवी माता श्रुतकीर्ति उर्मिला तुम परेशान मत हो, लाओ लाओ इसको जल्दी से लाओ मुझे दो। हनुमान जी छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर बिठा करके जोर से उड़ते थे और अयोध्या जी की दो चार परिक्रमा करके आकर के बच्चे को उतार देते थे। बच्चा किलकारी भरने लगता था, हंसने लगता था,
पूरी सेवा मिली थी हनुमान जी को। आज बच्चों को छओं को बैठाया पीठ पर, बोले सावधान रहना, तेजी से उड़ूंगा, गिर नहीं जाना। बोले हनुमान जी चिंता मत करो, मैं नहीं गिरने वाला हूं। अपनी पूंछ को लंबी करके पीठ पर तीन तीन हृदय की चार दीवार बनाई हनुमान जी ने, उसमें बीच बीच में पूंछ के बीच बीच में झरोखा भी बना दिया जिससे हवा लगती रहे, और बच्चों को बैठा करके ऊपर ले गए। बच्चे दर्शन करते चले जा रहे हैं, जिस लोक में हनुमान जी पहुंचते हैं बोलते हैं ये लोक आया है, सूर्य लोक है, अग्नि की धारणा करो, अग्नि की धारणा नहीं करोगे तो जल करके मर जाओगे, यहाँ का एयर प्रेशर इतना है, यहाँ अपना ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए एयर प्रेशर के अनुसार ये साधना करो, यहाँ का टेम्परेचर इतना है, उस टेम्परेचर के अनुसार तुम तुरंत प्राणायाम करो। ये सब हनुमान जी समझाते जा रहे हैं, जिस लोक में पहुंचते हैं उसी के अनुसार ये लोग योगिक क्रिया करके अपने को बचा लेते हैं। महाराज अनंत लोकों में भ्रमण करते हुए बच्चे थक गए। बच्चों ने कहा हनुमान जी अब तो हम थक गए, हमको अयोध्या ले चलो। अयोध्या जी की ओर लेकर के हनुमान जी आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी क्यों रुके? क्योंकि दो बच्चे ऋषियों का वेश पहने हुए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे। दोनों बच्चों ने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आपको प्रणाम। हनुमान जी ने कहा, बालकों तुम मुझे कैसे पहचानते हो, कौन हो तुम? दोनों ने कहा, मेरा नाम लव और कुश है, मैं किसका पुत्र हूं ये तो नहीं बता पाऊंगा, ऋषि वाल्मीकि का शिष्य हूं। जब हनुमान जी की लव कुश से बात होने लगी तो पीठ पर बैठे हुए जो तक्ष पुष्कल छुतबाव सुतसेन अंगद चित्रकेतु ये सब थे ना छो भाई, इन्होंने सोचा हनुमान जी किससे बात कर रहे हैं, जरा हम भी देखें। अब पूंछ इतनी ऊंची ऊंची दीवाल बनी थी कि दिखलाई नहीं पड़ते थे, तो चढ़ करके कंधे पर आए। हनुमान जी दोनों भुजाएं ऐसे कर रखे हैं ना, तो तीन भाई इस पर दौड़ गए, तीन भाई इस पर दौड़ गए, और हाथ के ऊपर आकर के तीनों यहाँ साष्टांग लेते, तीन यहाँ साष्टांग लेते, और प्रणाम किया किसको? लव कुश को, क्योंकि लव कुश का वेश साधु का वेश था। लव कुश को लगा कि ये मेरे अपने भाई हैं, बड़े प्यार से गले से मिले और बोले, आप लोग कौन हैं? बोले, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। आप दोनों कौन हो? हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं, देखो ये आकाश में बड़ी जोरों की ये चमकता हुआ क्या है? हनुमान जी ने कहा, मत जाओ महाराज, ये तो शठासुर नाम का एक दैत्य है जो ब्रह्मा जी के मुकुट से मन छीन के ले आया है। लव कुश ने कहा, हम जाएंगे और ब्रह्मा जी के मुकुट की मणि इस शठासुर से हम छीन करके लाएंगे और ब्रह्मा जी को देंगे। छह भाइयों ने कहा, आपको ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आप ऋषि कुमार हैं, हमारे राज्य में ऋषि कुमार को इसके लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, हम क्षत्रिय जीवित हैं, हम ये कार्य करेंगे। इन लोगों ने बहुत युद्ध किया लेकिन शठासुर को नहीं मार पाए। कथा बहुत बड़ी है, बहुत छोटा आकार बना रहा हूं उसका, संक्षिप्त कर रहा हूं। फिर महाराज भरत जी के द्वारा सेवित राम जी की जो पादुका थी, वो पादुका आकाश में गमन की है और उसी पादुका ने विस्तृत रूप धारण किया है, क्योंकि शठासुर को ऐसा वरदान ही था कि किसी के द्वारा वो मर नहीं सकता था। पादुका ने जाकर के अत्यंत प्रतप्त होकर के शठासुर के जो अनंत रूप हो गए थे उन सब का नाश किया। फिर वो मणि लेकर के लवकुश आए और माँ जानकी को दिया, कहा जब तक हमारी माँ यहाँ पर है तब तक ये इनके पास रहेगी, इसके बाद ब्रह्मा जी को दी जाएगी। महाराज वो दिव्य मणि थी, जानकी ने जो मणि लिया तो कहा, हे मणि तुम मुझे कृपा करके ये बतलाओ कि अयोध्या में इस समय क्या हो रहा है, वो दृश्य मुझे देखना है। आज तो टेलीविजन में आप केवल वहीं का दृश्य देख सकते हैं जहां से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, लेकिन वो जो मणि थी उस मणि से जहां के लिए बोल दो वहां का दृश्य तुरंत दिखलाई पड़ जाता था। सीता जी ने कहा कि अयोध्या का दृश्य दिखलाओ, ध्वनि निकली है, पुत्री आ जाओ, तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ।
जानकी जी आगे बढ़ करके उस सिंहासन पर बैठी और सिंहासन धरती में जाने लगा। लौकुश दौड़े हैं माँ की तरफ। जानकी ने कहा, प्रभु ये पुत्र आपके हैं, कृपा करके आप इनको स्वीकार कर लीजिए। और जब वो सिंहासन पृथ्वी में जाकर विलीन हो गया, पृथ्वी का खुला हुआ मुख बंद हो गया, तब तो भगवान श्री राम को अत्यंत क्रोध आया है। और राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके बड़ी जोरों से चिल्लाए, धरती मेरी जानकी को वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी आकर के राम को शांत किए, बोले सीता आपकी है, ये आपकी इच्छा अनुसार एक लीला हुई है। प्रेम से बोलिए, सीता माता की। राघव ने 11,000 वर्ष तक धरती पर लीला की है। 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष शतानी च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्म लोकम प्रयच्छति। 11,000 वर्ष तक राम ने लीला की है, उसके बाद निज धाम को प्रभु गए हैं, शरीर सहित गए हैं। रामचरित्र को यहीं प्रणाम करते हुए विराम दिया जा रहा है। सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सियावर रामचंद्र की जय। अब आइए अयोध्या से हम पुनः वृंदावन धाम आ जाएं। अयोध्या में हम लोग सुबह से यात्रा कर रहे हैं, आइए अब अयोध्या से वृंदावन में चल करके आ करके अब यहाँ की ठाकुर की लीला का दर्शन करें। चंद्रवंश की कथा सुनाई गई है, निमिवंश की कथा सुनाकर चंद्रवंश की कथा सुनाई गई, परशुराम जी का चरित्र सुनाया गया, नहुष राजा का वृत्तांत सुनाया गया, यति याति की कथा सुनाई गई, और महाराज याति के वंश में जो उनके 5 बेटे हुए हैं उन सब की कथा, यदु अनु द्रुह्य तुर्व स्पुरु, ये याति जी के इन 5 पुत्रों के वंश के विस्तार की कथा सुनाई गई। और देवयानी शर्मिष्ठा इन दोनों के पारस्परिक सौतिया डाह की भी कथा सुनाई गई। ये सब सारी कथाएं नवम स्कंद में वर्णित हैं। इन देवयानी शर्मिष्ठा की कथा के बाद जब यदु अनुद्रुह तुरुष पुरु इन ययाति पुत्रों के वृत्तांत सुनाना शुरू किया सुखदेव जी ने, तो उन्होंने कहा है कि पिता की इच्छा अनुसार केवल पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे करके पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया था, इसलिए पिताजी उनके ऊपर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा केवल मेरा बेटा पुरु ही मुकुट धारण कर सकता है, शेष 4 लोगों को मुकुट धारण का अधिकार नहीं। यदुवंश में पुरुवंश में तो ये हुए पांडव लोग हुए हैं, और यदुवंश में महाराज देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान ने कारागार में जन्म लिया, रात ही रात गोकुल पहुँच गए, वहाँ नंदोत्सव किया गया, और उसके बाद शिशु लीलाएँ किया है, माखन चोरी किया है, फिर वृंदावन आकर के गोचारण किया है, गोचारण के बाद फिर उन्होंने गोवर्धन धारण किया है, गोपियों के साथ रास की लीला की है, और फिर इसके बाद महाराज बहुत से दैत्यों का उद्धार करने के बाद मथुरा गमन किया, मथुरा में जा करके कंस का उद्धार किया, फिर कुछ दिन वहाँ रह करके बहुत सी युद्ध लीलाएँ करते हुए भगवान द्वारकापुरी गए, द्वारका में जा करके 16,108 विवाह किया है, और फिर उसके बाद महाभारत के युद्ध में जाकर सारथी का काम किया है कुरुक्षेत्र में, और 125 वर्ष तक भूतल पर लीला करके भगवान श्याम सुंदर निज धाम में गमन किए हैं। परीक्षित, मैंने कृष्ण कथा पूरी तुमको सुना दी, ठीक रहा है ना? कथा आप लोगों ने सुन ली भगवान कृष्ण की कथा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैंने तुमको पूरी सुना दी,
और नवम स्कंद यहीं पर पूर्ण हो गया। अब दशम स्कंद प्रारंभ हुआ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। दशम स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित बोलते हैं, सुखदेव जी नहीं परीक्षित बोलते। परीक्षित जी बड़े दुखी होकर बोले, गुरुदेव 4 दिन हो गया कथा सुनते सुनते, भूख लगने भी मैंने भोजन नहीं किया, प्यास लगने पर पानी नहीं पिया। एक ही आशा बंधी हुई थी कि कन्हैया की कथा आएगी, मेरे प्रभु श्याम सुंदर की कथा आएगी, वंश में इस चंद्र वंश में जिस क्रम से आप चल रहे हैं इसी क्रम से चलते चलते मेरे प्रभु की कथा आएगी, विस्तार से सुन करके आनंद लूंगा। लेकिन महाराज तमाम राजाओं की कथा, तमाम राजाओं की कथा सुनाया, उसका बेटा वो हुआ, उसका नाती वो हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया, महाराज सुनते सुनते मैं थक गया बिल्कुल। और जब मेरे ठाकुर जी की कथा आई तो बस वहाँ पैदा हुए, वहाँ लीला किया, वहाँ लीला किया, और थोड़ी देर में 10 मिनट में सब सुना करके समाप्त कर दिया महाराज। ये कृष्ण चरित्र क्या इतना ही संक्षिप्त है? महाराज मेरी तो तृप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई। महाराज आप इतना संक्षिप्त कृष्ण चरित्र सुनाए, मुझे आ तो आनंद ही नहीं आया। कथितो वंश विस्तार भावता सोम सूर्ययो। परीक्षित जी कहते हैं कथितो वंश विस्तार, आपने सोम और सूर्य वंश का विस्तार किया लेकिन मेरे प्रभु की कथा का विस्तार बिल्कुल नहीं किया। तब सुखदेव जी बोलते हैं बेटा मैंने कृष्ण चरित्र की कथा अभी नहीं सुनाई, तो फिर क्या सुनाया गुरुदेव? बोले ये तो मैंने केवल तुम्हारे सम्मुख कृष्ण चरित्र का सैंपल पेश किया है, ये नमूना प्रस्तुत किया है, ये देखने के लिए वानगी अभी रखा है कि तुमको माल कितना पसंद आता है। पसंद आ जाएगा तो ज्यादा भेंट करूंगा, अभी तो थोड़ा दिया है। तब परीक्षित को थोड़ा धैर्य हुआ, उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे तो बहुत प्यास लगी है, श्याम सुंदर का चरित्र सुनना चाहता हूं। बोले बेटा प्यास लगी है तो पानी पियो, भोजन करो। बोले नहीं गुरुदेव वो प्यास नहीं लगी, आपके श्रीमुख से कथा रूपी अमृत पान कर रहा हूं, फिर भूख प्यास किस बात की? मुझे तो भगवान का चरित्र विस्तार से सुनाइए, बस यही प्यास है। श्री राधे थोड़ा सा पंखा घुमा दो, ये पंखा थोड़ा इधर घुमा दो, ऐसे घुमा दो पंखा थोड़ा। बस वृंदावन विहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा बेटा मैंने संक्षिप्त कृष्ण चरित्र सुनाया तुमको, अब मैं समझ गया तुम्हारा कृष्ण चरित्र में अगाध प्रेम है, इसलिए अब तुम विस्तार के साथ सुनो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्री निपुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलं यथा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान वासुदेव के कथा के द्वारा 3 लोग पवित्र हो जाते हैं, पुरुषान स्त्री निपुनाति ही 3 लोग पवित्र होते हैं। कौन कौन? वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलं यथा।
पहला कहा जो भगवान की कथा को प्रेम से कहता है वो पवित्र हो जाता है। दूसरा कौन है महाराज? बोले प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता का क्या तात्पर्य हुआ? प्रश्नकर्ता का तात्पर्य हुआ आयोजन करता। सम्मुख बैठे हैं ना तेजपाल जी, ये कथा के आयोजन करता। तो कथा का वक्ता और कथा का आयोजन करता, और तीसरा कौन? कथा को श्रवण करने वाले श्रोता। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। इसलिए बेटा परीक्षित सावधानी से श्रवण करो, अब मैं कृष्ण लीला तुमको सुनाने के लिए तैयार हूं। बोले इसी कल्प के 28वें द्वापर की घटना है। ये बातें बड़ी मार्मिक हैं, इन बातों का विस्तार मैं करूंगा तो मेरे पास समय की कमी होने के कारण न सुना पाऊंगा न आप सुन पाएंगे। आज एक भक्त ने मुझसे कहा था कि पार्वती जी गुनगुना बेचने के लिए गई थी राम जी के पास भक्ति भाव से, तो फिर पार्वती जी को जब राम जी से इतनी भक्ति थी तो फिर राम की परीक्षा करने जंगल में क्यों गई? है ना प्रश्न मार्मिक। अब भाई उत्तर का विस्तार करूंगा तो मैंने कहा ना समय हमारे पास थोड़ा है, लेकिन ये बातें वास्तव में गंभीर हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पार्वती जी राम की परीक्षा नहीं करने गई थी, बल्कि पार्वती पिछले जन्म में दक्ष पुत्री सती थी तब वो गई थी। अभी दूसरा प्रश्न आता है कि पार्वती जी पिछले जन्म में जब परीक्षा करने गई थी तो क्या राम जी तब भी थे? इतने जल्दी कितने कितने जन्म पार्वती के हो गए? तो उसका समाधान ये है भक्तों कि राम जी का पिछला अवतार जो था, जिस अवतार की बात मैंने सुनाया कि पार्वती जी गुनगुना लेके गई, उस अवतार में नहीं, उसके पहले राघव जब अवतार हुआ था तब पार्वती जी सती रूप में थी और तब वो दक्ष पुत्री थी, हिमालय पुत्री नहीं थी, तब वो परीक्षा लेने के लिए गई थी। भागवत जी में लिखा है, रामायण में लिखा है और बहुत सभी लगभग सभी पुराणों में लिखा है कि भगवान के जो विविध अवतार हुआ करते हैं उसमें से जो परिपूर्णावतार होता है वो कल्प में एक बार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही चारु चरित नाना विधि करें। अंशावतार तो कई बार होते हैं, आचार्यावतार कई बार होते हैं, लेकिन भगवान का परिपूर्णावतार एक कल्प में एक बार होता है। और कल्प कितने समय का होता है? 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों बीत जाएं तो एक कल्प होता है। अब इतने लंबे समय में 1000 बार जब चारों बीतेंगे तो उनमें से किस कल्प कुछ युग में भगवान का परिपूर्णावतार होता होगा ये निश्चित नहीं रहता। हर कल्प में वही नंबर का युग नहीं होता है। तो जिस कल्प में हम आप इस समय जीवित हैं इस कल्प में 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। अब ये इस कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। तो इस कल्प के 28वें द्वापर के अंत की घटना सुखदेव जी सुना रहे हैं। कहते हैं परीक्षित इस कल्प के 28वें द्वापर के अंत में पापियों का प्राबल्य ज्यादा हो जाने से धर्मात्मा लोग दुखी हो गए, क्योंकि उनको मारा काटे जाने लगा, सताने लगे दुष्ट लोग, और कंस उन दुष्टों में सबसे आगे था। ये महाराज उग्रसेन जी का पुत्र नहीं था। उग्रसेन जी का पुत्र कहा जाता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इसकी मां पद्मावती अपनी मायके में गई हुई थी और वहां पर गोभिल नाम का एक दैत्य राजा उग्रसेन का रूप बना करके आया और पद्मावती को अकेले में बहका के ले गया
और शारीरिक संबंध किया तो गोविल दैत्य के द्वारा उग्रसेन महाराज की पत्नी के गर्भ में बच्चा आया। वो उग्रसेन जी का बेटा नहीं, गोविल दैत्य का बेटा था और ये पूर्व जन्म में कालनेम नामक दैत्य था। वो कालनेम जो रामायण में लिखा वो नहीं, रामायण में जो कालनेम लिखा उसको तो हनुमान जी ने मारा था। ये कंस कौन सा कालनेम था? ये समुद्र मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ था तो भगवान विष्णु के हाथ से मारा गया था कालनेम। यही कालनेम गोविल दैत्य के शरीर का आश्रय लेकर के पद्मावती के गर्भ में आया और पद्मावती को जब पता चला कि वो गर्भवती हो गई, उसके साथ छल किया गया, वो उसके पति नहीं थे, वो राक्षस था, तब वो अपनी लोक लाज बचाने के लिए तुरंत मायके से ससुराल चली गई और ससुराल में जाकर के वो बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम कंस रखा गया, इसलिए वो उग्रसेन का बेटा नहीं, निशाचर का बेटा था वो। महाराज ये पापी जीवों को अतिशय परेशान करने वाला गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, इन सबको मारता था, सबके साथ घोर अत्याचार करता था। सारी पृथ्वी अत्याचार से आक्रांत हो गई, सब दुखी हो गए, धर्म का अतिशय विनाश किया जाने लगा, धर्म की जड़ उखाड़ी जा रही है। महाराज सभी देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा सब दुखी होकर के धरती में यह रोती हुई सबको एक साथ लेकर के सब लोग पहुंचे हैं क्षीर सिंधु के पास। भगवान को पुकारे हैं, भगवान कहीं दिखलाई नहीं पड़े। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने भी भगवान को पुकारा, ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं दिखलाई पड़े। तब तक ब्रह्मा जी के हृदय में सहसा ध्वनि होने लगी। महाराज ये ठाकुर जी की लीला ऐसी अद्भुत है, प्रकट रूप में भगवान की बात तो दूर की रही, मैं कहता हूं जो मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं, वैसे सनातन धर्म में इनको भी प्रकट माना गया है। यह आप नहीं समझिएगा कि ये कोई विग्रह है, कोई मूर्ति। महाराज भक्ति के मार्ग में मंदिर में विराजमान ठाकुर प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है, थोड़ा सावधानी से समझने की कोशिश करिए। एक विचार तो ये है कि मूर्ति में भगवान है, अधिकतर लोगों का विचार यही रहता है कि जो मूर्ति खड़ी है उसमें अंदर भगवान है। ये सच्ची बात नहीं। तो सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि मूर्ति में भगवान इन है, ये मत सोचो जिस रूप में तुम मूर्ति देख रहे हो उसी रूप में स्वयं वो ठाकुर जी ने अपना वही रूप बना लिया है। ये गंभीर बात है और इस बात को यदि आप पचा पाओगे तो आप भक्त बन जाओगे। केवल इसी बात से भक्त बन जाओगे पचा पाओगे। तो हमारे ठाकुर जी मंदिर में जिस रूप में हमें दिखलाई पड़ रहे हैं, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस रूप में हमारे सामने खड़े। ये नहीं कि मूर्ति है और मूर्ति के अंदर भगवान, ना ना, ये गलत, ये वास्तविक तथ्य नहीं है। स्वयं हमारे प्रभु इस रूप में खड़े हैं और यथार्थ में खड़े। आपके अंदर ये बात जब बैठ जाएगी तो आप भक्त बन जाओगे। कई मूर्ख लोग कहते हैं कि ये जो भगवान खड़े हैं तो अपने हाथ से मक्खी क्यों नहीं उड़ा लेते, अपने हाथ से जल क्यों नहीं पी लेते। कई मूर्ख ऐसा प्रश्न करते हैं। शायद मूर्ख शब्द आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन मुझे कहना पड़ जाता है। भक्तों इस प्रश्न का उत्तर समझ लो, कोई बहुत बड़ा रईस हो, धनवान हो, अपने हाथ से उठा के पानी का गिलास पीता है क्या? नौकर से मंगवाता है एक गिलास पानी ले आ, वो नौकर लेकर के आता है पानी पिलाता है। महाराज आप लोग नाटकों में शायद देखे होंगे राजा महाराजा अपने हाथ से कपड़ा भी नहीं पहनते थे, दो दो तीन तीन नौकर पहनाते थे।
जूता अपने हाथ से नहीं पहनते हैं, रानी साहिबा पहनाती। जब राजा साहब घर में आते हैं तो जूता रानी जी निकालती हैं चरण से, राजा अपने हाथ से जूता नहीं निकालते हैं। नौकर कपड़े पहनाते हैं, गर्मी हो रही है तो पंखा अपने हाथ से नहीं करते हैं, नौकर करते हैं। ये एक राजा की बात है। और अनंत अनंत राजाओं के मुकुटमणि भगवान महाराजा धीराज, ये यदि अपने हाथ से सब सेवा करेंगे तो तुम किस बात के नौकर हो, किस बात के भक्त और सेवक हो, क्या करोगे तुम? फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? अरे तुम तो अपना सौभाग्य मानो कि ठाकुर जी के इतने सेवक हैं, हनुमान जी सेवक हैं, अर्जुन सेवक हैं, प्रहलाद जी सेवक हैं, विश्वक्सेन हैं, नंद हैं, सुनंद हैं, अनंत पार्षद भगवान के साथ हैं। इन सब के होते हुए भी ठाकुर जी मुझ जैसे गए बीते की हाथ की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इस सौभाग्य का आनंद प्राप्त करो। हमारे जैसे एक नालायक के हाथ की सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, ये विशेष बात है, क्योंकि उनके पास तो न जाने कितने सेवक भक्तों। ये ठाकुर जी जो हमारे मंदिर में खड़े हैं, ये यदि आप लोगों में से किसी भक्त को इनको बुलाना हो तो इतने लोग बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे वाले भक्त को बुलाना हो और ठाकुर जी बुलावें कि तुम आओ, तो बीच में इतने लोगों के होने पर भी बीच का एक आदमी भी उनकी आवाज नहीं सुन पाएगा। ये भगवान की दिव्यता मैं बतला रहा हूं आप। इतने लोग बीच में हैं लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी हाथ से इशारा करें या आंख से इशारा करें, कोई नहीं देख पाएगा, जिसको करेंगे वो देख पाएगा। महाराज अब कृष्ण जन्मोत्सव तक कथा सुनानी, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। एक कथा मुझे बतानी थी अभी। जवाई ठाकुर हैं अपने वृंदावन धाम में, जवाई ठाकुर। अब मैं नाम आपको बता दिया हूं, इससे आप पता करेंगे तो मालूम हो जाएगा। केवल इतना मैं बता रहा हूं कि जवाई ठाकुर जो रामकृष्ण मिशन के पास मंदिर है, वो एक कन्या को जो परम भक्ता थी, बंगाल से आई हुई थी, वो मंदिर में बैठे हुए जवाई ठाकुर आज भी हैं वहां। उस कन्या को अपने आंख से इशारा करते थे तो हंस करके अपनी मां से कहती थी कि ये ठाकुर जी मुझे आंख से बुलाते हैं, लेकिन वो केवल कन्या ही देखती थी और कोई नहीं देखता था। और बाद में तो ये स्थिति हुई कि भगवान ने कहा उसके माता पिता से कि इसका विवाह मेरे साथ कर दो। घटना बहुत बड़ी है, मैं दो चार वाक्य में ही सुना रहा हूं। और महाराज उस कन्या का भगवान के साथ मंदिर में विवाह किया गया और विवाह होते ही बीमार पड़ गई वो, और वो रात में मरणासन्न हो गई। तो उसके माता पिता रोने लगे भगवान के सामने कि महाराज शादी हुई और मेरी बच्ची की तबीयत इतनी खराब हो गई, क्या बात है? तो भगवान ने उनको कहा, उसके माता पिता को, कि तुमने कन्या की शादी किया है तो क्या विदाई नहीं करोगे? बेटी की भी शादी करने के बाद क्या अब उसको अपने ही घर में रखोगे, विदा नहीं करोगे? उसको मैं बैकुंठ ले जाने के लिए अब तैयारी कर रहा हूं। तुमको उसका वियोग नहीं सहन हो रहा है तो उसकी एक मूर्ति बना करके मंदिर में मेरे बगल में बिठा दो। उस मंदिर में पहले केवल एक ठाकुर जी का स्वरूप था, सम्मुख पेड़ एक नीम का था, उसी नीम के पेड़ की लकड़ी का विग्रह बनाया गया। और जवाई ठाकुर इसीलिए कहे गए कि जिनकी बेटी थी उनकी बेटी से ठाकुर जी का विवाह हुआ, तो बेटी से जिसका विवाह हुआ हो तो वो तो जवाई ही होगा ना, वो व्यक्ति जवाई कहलाएगा। जवाई कहो, दामाद कहो, जामाता कहो, एक ही बात। इसलिए वहां मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनको जवाई ठाकुर कहा जाता है। तो मंदिर में रहने वाले हमारे ठाकुर जी जो खड़े हैं,
ये भी जब जिससे बोलना चाहते हैं उसी को सुनाई पड़ता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी के हृदय में आवाज आई, देवताओं चिंता मत करो, मेरा ब्रजमंडल में बहुत जल्दी अवतार होने वाला है, तुम लोग जाओ श्री वृंदावन धाम में, मेरे अवतार की लीला में सहयोग देने के लिए तुम लोग अलग अलग प्रकार से जन्म ले लो, कोई बछड़े बन जाओ, कोई गैया बन जाओ, कोई ब्रज के बालक बन जाओ, कोई स्त्री पुरुष बन जाओ, कोई चिड़िया बन जाओ, कोई जीव जंतु बन जाओ, कोई झाड़ी बन जाओ, कुंज निकुंज का रूप धारण कर लो। सबको ब्रह्मा जी ने आज्ञा किया और सब देवी देवता लोग वहां से चले हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। जैसे किसी राष्ट्र के प्रेसिडेंट को आना हो तो कर्मचारी लोग पहले चले जाते हैं वहां पर, उसके पहुंचने के पहले वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को आना है वृंदावन धाम में तो भगवान के जितने पार्षद हैं और जितने देवी देवता वो लोग पहले ही वृंदावन धाम में आ गए। अब इस प्रसंग को जोड़ने के लिए एक मथुरा जी की कथा प्रारंभ की जा रही है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज अभी मैंने आप लोगों को बताया था उग्रसेन जी के पुत्र जो था कंस, वो वास्तव में उनका पुत्र नहीं था, वो गोविल दैत्य का पुत्र था, पूर्व जन्म का कालनेमी था। और उनके भाई देवक की पुत्री जो देवकी है उसका विवाह करने के लिए उन्होंने वसुदेव जी का चयन किया। वसुदेव जी से देवकी का विवाह करने के लिए सुंदर शुभ लग्न का चयन कर लिया गया है। और देवकी वसुदेव के विवाह के लिए जब पूरी तैयारी हो गई, बारात सज धज करके आई है, शादी विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हो गई। और जब कन्या दुल्हन बन करके अब ससुराल की तरफ चलने के लिए तैयार हुई, पालकी में बैठी है, महाराज पालकी लेकर के जब कहार लोग चलना चाहते थे तब तक कंस सामने आया। कंस ने कहा नहीं नहीं, मैं स्वयं अपने रथ में बिठा करके ले जाऊंगा, बहन तुम रथ में बैठो, पालकी में जो अन्य दासियों का विवाह हुआ वो लोग बैठेंगे, 200 पालकियां रथ के पीछे, 200 पालकी लगाई गई, 200 पालकी में 200 प्रजा की कन्याओं का विवाह साथ में हुआ था, उनको दहेज में भेजा जा रहा है। आप लोगों को शायद ये प्रथा अच्छी न लगे, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी? प्रजा की कन्या जिसका विवाह राजकन्या के ससुराल में किया गया है साथ साथ, तो वहां के प्रजा के लड़कों के साथ किया गया, तो उन लड़कों की नौकरी और जिनकी लड़कियां हैं उनके भरण पोषण की व्यवस्था सब राजा के खजाने से एक साथ कर दी जाती थी, इसलिए बहुत बड़ा दान का कार्य था। 200 पालकियों में 200 कन्याएं विवाहिता बैठी हुई हैं और वो पालकी कहां लोग उठाए हैं, आगे आगे रथ में देवकी बैठी है और सारथी को हटा करके कंस ने स्वयं हाथ में बागडोर लिया है और कहा मैं स्वयं रथ को हाथ करके ले जाऊंगा। महाराज रथ को अभी थोड़ा ही लेकर के आगे चला था, आकाश में बादल नहीं है लेकिन बड़ी जोरों की आकाश में विद्युत चमक होने लगी, ऐसी गंभीर ध्वनि विद्युत की आने लगी जैसे बादल ही गरज रहे हों, चमचमाहट बिजली की होने लगी, बादलों की गरज सुनाई पड़ने लगी और कंस घबरा गया कि बिना बादल के बिजली की कड़क कहां से सुनाई पड़ रही है। तब तक हृदय को विदीर्ण करने वाली गंभीर ध्वनि आकाश से उतरती हुई सुनाई पड़ी, ए पापी मूर्ख कंस, अपनी जिस बहन को इतने प्यार दुलार के साथ तू पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न बालक के द्वारा तू मारा जाएगा, वही तेरा काल होगा।
ये जो आकाशवाणी कंस के कान में सुनाई पड़ी है महाराज, इसको सुन करके कंस का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया, सारा बनावटी स्नेह खत्म हो गया। उसने म्यान से तलवार खींच लिया और देवकी का केश पकड़ करके गर्दन काटने की तैयारी किया है। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने लपक करके तलवार पकड़ा है, बचाया है, और वसुदेव जी ने प्रार्थना किया है, कंस ये क्या करने जा रहे हो, जिस बहन के अभी अभी हाथ पीले हुए हैं उसी को मारने जा रहे हो, इससे आपकी बड़ी लोक निंदा होगी। कुछ भी समझाने पर जब वो नहीं माना, तब वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा किया, आप मुझे सत्यवादी तो मानते हो, हाँ आपको सत्यवादी तो दुनिया मानती है, तो मैं भी मानता हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं आप इसको छोड़ दो, इसके कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा उसको मैं लाकर तुमको भेंट कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो मार देना। आपको कथा सब लोगों को मालूम है, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसको लेकर के जब वसुदेव जी गए हैं महाराज, प्रथम बच्चे की घटना यह है, उस समय उनको कारागार से उग्रसेन जी ने मुक्त करवा दिया था, पहले तो कारागार में डाल दिया था, फिर महाराज ने कारागार से मुक्त करा दिया था और अपने घर वो चले गए वसुदेव देव की, और प्रथम बच्चे का जन्म उनके घर में हुआ, और उस बच्चे को लेकर के जब वसुदेव जी गए कंस के सम्मुख, तो कंस को थोड़ी दया आई और उसने छोड़ दिया, कहा ले जाओ। बच्चे को लेकर के जब वसुदेव जी आए देवकी के पास, और देवकी को दिखलाई पड़ा कि मेरा बच्चा तो जिंदा वापस आ गया, तो जैसे मरे में प्राण आ गया, वो इतनी प्रसन्नता हुई। और महाराज माताओं का स्वभाव मायके की कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो 100 गुना बढ़ा के बोल दें। वो बोली देवकी, तुम क्या, वसुदेव जी से कहा, तुम क्या मेरे भाई को हत्यारा समझते थे, देखो उसने कितने दया से मेरे बच्चे को वापस कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारा भाई जैसा है मैं जानता हूं, उसकी बात का भरोसा नहीं, अभी छोड़ा है, पता नहीं आगे फिर क्या करे। तब तक महाराज जब उसने छोड़ दिया था बच्चे को लेकर, वसुदेव जी आ गए थे, उसी समय कंस के दरबार में देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी ने पूछा, कंस महाराज अभी अभी वसुदेव जी निकल करके बाहर गए हैं, ये गोद में क्या लिया था उन्होंने। कंस ने कहा, देवर्षि जी वो तो छोटा सा बच्चा था, अभी जन्म लिया है, तो आपके यहां लेकर के क्यों आए थे। बोले ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने किया था इसलिए लेकर के आए थे, 8वां बच्चा जो उसके विषय में आकाशवाणी हुई को मेरा काल होगा महाराज, वो पहला बच्चा लेकर के आए थे। नारद जी ने कहा कि तुमको कैसे मालूम कि पहला है कि 8वां है। कंस ने कहा, महाराज इतना तो पता ही है, वो 8वां कहां, तो पहला है। कई कई युक्तियों से 8 बूंद जल डाल करके, 8 पंखुड़ी का कमल दिखला करके नारद जी ने समझाया, 8 पंखुड़ी का कमल है, यहां से गिनो तो ये 8वीं, वहां से गिनो तो वो 8वीं, 8वीं और पहली कौन सी है कुछ अता पता नहीं। अब मेरी बात से तुम्हें समझ में आता हो तो समझ लो मैं जा रहा हूं। नारद जी चले गए। कंस ने तब अपने सैनिकों को कहा है कि जो अपने घर में बैठा है उस वसुदेव को पकड़ो और कारागार में डालो। फिर से वे कारागार में डाल दिए गए और उनके बच्चे को पकड़ करके, उसका पैर पकड़ करके कंस लटका के ले आया और कारागार के बाहर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर घुमा करके जोर से पटक दिया और उस बच्चे का मस्तक फट गया
उसकी खून की धारा फैल गई, मांस विदीर्ण हो गया, सर्वत्र फैल गया। बड़ा विभत्स दृश्य उसने उत्पन्न कर दिया, सब लोगों का कलेजा कांप गया उसके क्रूर कर्म को देख करके। भक्तों, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छह बच्चों को मारा है। उस माता पिता की क्या दशा हुई होगी जिसके छह बच्चे पैदा हुए और छओ मार डाले गए। और जब सातवें बच्चे का जन्म होने को हुआ है तो ये सातवां बच्चा दूसरा कोई नहीं था, स्वयं भगवान शेष थे। शेष भगवान का नारायण से वार्तालाप हुआ है। नारायण ने कहा, भूतल का भार दूर करने के लिए शेष जी चलना है। पहले तो शेष जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा महाराज, आप जब मुझे लक्ष्मण बना करके लेकर के गए थे तो महाराज आपने बहुत कठोर काम मुझसे करवाया, आपने सीता को मुझसे जंगल में छुड़वाया, सीता को जलाने के लिए अग्नि मुझसे महाराज आपने प्रज्वलित करवाया। महाराज मैं छोटा था ना, छोटा होने के कारण सब आज्ञा का पालन करना पड़ा, ये छोटा बनना ही महाराज बड़ा अपराध हो गया, यदि मैं बड़ा होता तो आपको डांट देता कि मैं तुम्हारी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, इसलिए महाराज मुझे मत ले जाइए। बोलते बोलते शेष भगवान के सब नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। नारायण ने पीछे घूम करके पीताम्बर से उनकी आंखों को पोछा और कहा, रो मत, पहले तुम छोटे बने थे, इस बार बड़े बन जाओ। तब शेष जी प्रसन्न हो गए कि ठीक है, बड़ा बनूंगा तो तू कुछ गलत बोलेगा तो डांट दूंगा तुझे, तू छोटा बनेगा तो ठीक रहेगा। तो सातवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष आए हैं, लेकिन अब शेष के बिना नारायण को अच्छा नहीं लगता है। थोड़े ही दिन के बाद योग माया को बुला करके भगवान ने कहा, योग माया ऐसा करो, सप्तम गर्भ में जो बालक है उसको निकाल करके कारागार से लेकर के जाओ, गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया, मैं इसके बाद देवकी माता के गर्भ में आऊंगा और तुम यशोदा माता के उदर में चली जाना, तुम उसी समय प्रकट होना जिस समय मैं प्रकट होऊंगा, मैं वहां जाऊंगा और तुम यहां आ जाना मेरी जगह पर। देवी योग माया, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, चंडिका, भद्रिका, नारायणी, ईसायनी, वैष्णवी, काली, दुर्गा, भद्रकाली, आज तमाम नामों से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और मेरी कृपा से तुम सबको अभीप्सित वर प्रदान करोगे। योग माया को आदेश हुआ, उन्होंने शेष भगवान जो सप्तम गर्भ थे उनको निकाल करके ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर माता रोने लगी देवकी कि मेरा सातवां बच्चा न जाने कहां खो गया। कारागार के कर्मचारियों ने जाकर के बतला दिया, महाराज सातवां बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नष्ट हो गया। कंस ने कहा, दूसरी कोई बात नहीं, हो मेरे डर से नष्ट हो गया। और फिर अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण उस कारागार के कक्ष को पवित्र करने के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों, भगवान के अवतार में ये जन्म की कथा अभी दो बार सुनाई जाएगी। पहली बार तो कारागार में जन्म सुनाया जाएगा और आगे थोड़ी ही देर में फिर गोकुल में जन्म सुनाया जाएगा। तो कारागार में जो जन्म सुनाया जाएगा इसमें आप लोग गुब्बारा नहीं फोड़ेंगे और दौड़ धूप नहीं करेंगे, अपनी जगह बैठे रहेंगे शांति के साथ, क्योंकि ये जो कारागार में जन्म होता है ना, ऐसे समय होता है जब सब सोते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है, सब सोते रहते हैं। तो आप लोग सोना तो नहीं, कथा सुनते रहना, ऐसा नहीं करना कि आप लोग भी सो जाओ, लेकिन आप लोग शांति के साथ श्रवण करते रहना। अभी उत्सव तब मनाएंगे जब गोकुल में ठाकुर जी का प्राकट्य आपको बताया जाएगा। अभी मथुरा के कंस के कारागार में भगवान के प्राकट्य की कथा आपको सुनाई जा रही। महाराज, इसके पहले एक बात आपको और बता दूं, गोकुल में
जो गोकुल की प्रजा के मुखिया हैं उनको राजा नहीं मंडलिक कहा जाता था। वो मुकुट नहीं धारण करते थे, पगड़ी धारण करते थे और उनको नंद बाबा बोलते हैं। उनकी पत्नी यशोदा, ये दोनों वृद्ध हो गए। यशोदा 55 वर्ष की और नंद बाबा 85 वर्ष के। बताओ इतनी अवस्था हो गई, अभी तक संतान का मुख नहीं देखा। सारी जनता को बड़ी निराशा हो रही है कि अब हमारा आगे का मुखिया राजा कौन बनेगा। शांडिल्य ऋषि से, गर्ग मुनि से पूछा गया कि महाराज नंद बाबा को कोई पुत्र प्राप्त हो, इसके लिए क्या किया जाए। उन लोगों ने बताया कि सब लोग एकादशी व्रत करो और भगवान से प्रार्थना करो कि यशोदा माता को, नंद बाबा को एक पुत्र प्रदान करिए। सब लोग व्रत करने लग गए, यहां तक कि बच्चे भी व्रत करने लग गए। और व्रत का फल यह हुआ कि एक दिन यशोदा माता ने स्वप्न में देखा है कि एक बहुत सुंदर छोटा सा सांवला सलोना बच्चा उनकी छाती पर बैठा हुआ दूध पी रहा है और वो चल करके कहीं से आया है। पैदा होते नहीं देखा, स्वप्न में देखा कि कहीं से घुटनों के बल चढ़ करके ऊपर आ गया और दूध पीने लगा। वो उठ करके स्वप्न की बात बताने के लिए गई नंद बाबा के पास। नंद जी को जगा करके कहा, अभी अभी ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। नंद जी ने कहा, यशोदा ठीक यही स्वप्न मैंने भी देखा है कि अभी अभी बहुत सुंदर सा कोई बच्चा आया है तेरे सीने के पास और तेरा दूध पी रहा है। हम दोनों ने एक साथ ये स्वप्न देखा है, इससे ये सिद्ध होता है कि अब एकादशी व्रत का फल हमको मिलने वाला है और अब तेरे यहां बालक का जन्म ठाकुर जी की कृपा से होगा। दोनों लोगों को भगवान ने संकेत कर दिया है कि अब मैं आपके यहां आने वाला हूं। इधर मैया यशोदा को यह पता भी धीरे धीरे चलने लगा कि वो गर्भवती है और उनके गर्भ में कौन है, योग माया। उसको ऐसा आभास होने लगा कि मैं गर्भवती हूं। थोड़ा खट्टा मीठा चरपरा खाने की इच्छा होने लगी, सौंधी सौंधी मिट्टी खाने की इच्छा होने लगी, मिट्टी के कुल्हड़ फोड़ फोड़ करके खाने लगी और महाराज मिट्टी की सुगंध बहुत अच्छी लगने लगी। अचार बचता ही नहीं तो सब खा जाती। अब उनको निश्चित हो गया कि पेट में बालक है। फिर धीरे धीरे अपनी सखी सहेलियों को बताने लगी कि लक्षण बता रहा है कि मेरे पेट में बच्चा है। अब तो मुझे मेरी जबान पता नहीं कैसी बिगड़ गई कि रोज आना चटपटी चीज खाने की इच्छा होती। सहेलियों ने कहा, तुम्हारे घर में कोई दूसरी महिला तो है नहीं और बच्चे के जन्म पर महिला की आवश्यकता होती है, तुम अपनी ननद को क्यों नहीं बुलाती हो, ननद को बुला लो। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा जी, सब बालक लोग उनको बुआ जी कहते हैं, अब उनको बुलाने की तैयारी होने लगी। देखो भाई इन शब्दों के बड़े गंभीर अर्थ हैं। नंद शब्द का क्या अर्थ होता है, आनंदम ददाति इति नंदः, जो सबको आनंद प्रदान करे वो नंद। और यशोदा का क्या तात्पर्य, यशः ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा। यश प्रदान करे यशोदा और आनंद दे सो नंद। अच्छा आनंदम ददाति तो हो गया नंद, और न आनंदम ददाति, आनंद नहीं दे, न आनंदम ददाति नहीं आनंद देता है तो कौन हुआ, ननंद। ननंद, अब ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, ये उनके समझ में आएगी जो भाभी बनी है। ननद और भाभी के बीच की बात वही जाने भैया। घर में ननद आवे तो भाभियां सोचती हैं कहां से आफत आई, कई दिन रहेगी ये,
ये कई दिन रहेगी घर में, जाते समय न जाने क्या क्या मालमत्ता उठा के ले जाएगी, कहीं चुपके चुपके पास न करती रहे कुछ, ताला चाबी बचा के रखो। ननंद के आते ही घबराती हैं, लेकिन महाराज आप लोगों में, अब आप लोगों को पता नहीं ठीक लगे कि नहीं, आप लोगों में कोई ऐसी तो गड़बड़ नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कृष्ण की कथा सुनने पर ननंद की जगह सब सुनंदा बन जाओगी, ननंद की जगह सब सुनंदा। नंद बाबा की जो बहन है वो यशोदा जी को कष्ट नहीं देती, ननंद तो जरूर है लेकिन सुनंदा है। सुनंदा का तात्पर्य सुंदर, आनंद देने वाली। सुनंदा बुआ को बुलाने के लिए एक ग्वाल बालक को भेजा गया। वो ग्वाल बालक एक बैलगाड़ी लेकर के गया है उनकी ससुराल, और जाकर के कहा, बुआ जी आपको बुलाया गया है, आपकी भाभी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। अरे ऐसी क्या बात है, कभी तो इस तरह से तुम लोग बुलाने के लिए आए नहीं, क्या बात है, कोई प्रसन्नता की खबर है क्या? हाँ हाँ, अब हम लोग तो बालक हैं, ज्यादा हमको कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा राधे राधे, वृंदावन विहारी लाल की जय। महाराज मैं आपको ये बता रहा था कि सुनंदा बुआ को जब बालक वो लेकर के चलने लगा, तो सुनंदा बुआ को ऐसी कुछ कुछ मन में आशा होने लगी कि शायद भाभी के कोई बाल बच्चा होने वाला है, इसीलिए मुझे आकस्मिक बुलाया गया। और जब वो घर में पहुंची तो उसने कहा, भाभी ऐसी कोई प्रसन्नता की खबर है क्या जो मुझे बुलाई तू? तो थोड़ा सकुचाती हुई नीचे निगाह करके बोली, हाँ दीदी बात कुछ ऐसी ही है, तुम लोगों के आशीर्वाद से अब कोई भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि शुभ दिन देने देखने का अवसर आया है, और तुम्हारा आशीर्वाद से अब वो फलीभूत होने वाला बच्चे का जन्म होने वाला दिन आ रहा है। आप ऐसा बोलते बोलते यशोदा ने क्या किया, 50 गज का कपड़े का लहंगा पहन रखा था, 50 गज कपड़े का लहंगा। महाराज बहुत भारी लहंगा होता है, कौन आजकल पहने। उस लहंगे के नारे में से चाबी का गुच्छा निकाला बड़ा सा, और दे दिया सुनंदा के हाथ में, दीदी आज से घर की मालकिन तुम हो। अब जब चाबी का गुच्छा ही हाथ में आ गया तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत। प्रसन्न हो गई सुनंदा, भाभी मुझे कितना चाहती है, इन्होंने तो पूरी मालकिन मुझको ही बना दिया, बहुत प्रसन्न हो गई। फिर सुनंदा ने कहा, भाभी एक बात बताओ, तुमने धाय माता को बुला करके कुछ परीक्षण अपना कराया कि नहीं? यशोदा ने कहा, मैंने तो बुलाया नहीं, अब मुझे क्या पता उसका घर कहाँ, तुम ही बुला के लाओ। धाय माता भी बहुत बुढ़िया थी, 100 वर्ष की बुढ़िया धाय माता, कितना लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा उसको बच्चा पैदा कराने का। महाराज धाय माता को सुनंदा बुआ बुला करके लाई, और उसने कहा, भाभी का जरा परीक्षण कर, चेकअप कर ठीक से, और जांच करके ढंग से बता कि बच्चा कई दिन बाद पैदा होगा। उसने यशोदा को लिटा करके कुछ तेल मालिश करके उधर में, और कुछ नाड़ी से कुछ उधर की आकृति से कुछ टटोल करके देख करके कहा, तुम लोग आज तक थी कहाँ? अरे बच्चे का जन्म तो 2 ही दिन बाद होना है। इतना अद्भुत उसको ज्ञान था, इतना सही बताती है जबकि अल्ट्रासाउंड नहीं था, बिना अल्ट्रासाउंड के ही बता रही, 2 दिन बाद बच्चे का जन्म होना है। अब क्या करें, अरे ज्यादा समय होता तो मैं बहुत सारी लिस्ट बना करके देती, इतना इतना सामान तैयार करो, लेकिन अब ज्यादा तो कुछ नहीं करो, मेथी का लड्डू बनाओ, मेथी का लड्डू खूब खाओ, जब भूख लगे मेथी का लड्डू खाओ, मेथी का लड्डू खाओगी, गुड़ में बना हुआ मेथी का लड्डू,
बच्चे का जन्म बड़ी सरलता से हो जाएगा। चिरायते का काढ़ा लाओ, सांप की केचुल लाओ, अमलतास का काढ़ा बनाओ, बड़े बड़े कोयले, छोटे छोटे कोयले अलग लाओ, 8 पक्के घड़े लाओ कुम्हार के यहां से ताजे, पानी उनमें भर करके रख दो, और प्रसूतिका गृह में सुगंध के लिए धूप जला दो, थोड़ा उसमें कीर्तन और पूजा पाठ करा दो, कोई आसुरी शक्ति का, जिससे तमोगुणी शक्ति का प्रवेश न होने पावे, और जो कुछ मैंने दवाई लिखाया वो सब मंगा लो, और चिरचिरा घास की जड़ मंगा लो। ये क्या होगी, जब बच्चे का जन्म होना होगा, चिड़चिड़ा घास की जड़ बच्चे के जन्म के समय उसको यदि स्पर्श करा दिया जाए बच्चे के सिर में, तो बच्चे के सिर में उस घास की जड़ का स्पर्श होते ही तुरंत बच्चा बाहर हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उसको स्पर्श नहीं कराना, नहीं तो गर्भाशय बाहर आने का डर रहता है। और जो जो चीजें मैंने खाने पीने को बताया वो सब चालू कर दो। ये धाई माता ने सारी बातें समझा दिया। सुनंदा ने कहा, धाई माता तुमको ये सब रटा पड़ा हुआ है? उसने कहा, लाखों बच्चे को मैंने पैदा कराया, जा जाकर लोगों के यहाँ रोजाना का काम है, सब रटा पड़ा हुआ तो है ही। ये सब सारी चीज अभी जल्दी से व्यवस्था कर, कल मैं फिर देखने आऊंगी। और दूसरे दिन धाई माता फिर देखने के लिए आई। उसने फिर से यशोदा का परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद उसने फिर टटोल करके अच्छी तरह से और फिर कहा, मैंने जो कल बताया था वो अनुमान सच्चा है, बच्चे का जन्म आज ही रात में होना है। इतना ज्ञान है उस बूढ़ी माता को। उसने कहा, यशोदा तेरे बच्चे का जन्म आज ही रात में होना है। सुनंदा ने कहा, तो माताजी मैं क्या करूं, क्या व्यवस्था करूं? अरे व्यवस्था क्या करना है, भजन गाने वाले, बधाई गाने वाले लोगों को बुलाओ, महिला मंडली का संगीत मंडल अलग बुला लो, और पुरुषों की संगीत मंडली अलग बुला लो। पुरुषों की संगीत मंडली तो बाहर रहेगी, महिलाओं वाली अंदर आंगन में कर दो, और कुंडली बनाने वाले ज्योतिषियों को बुला लो, जो बच्चे के जन्म होते ही तुरंत कुंडली बनावे, सही कुंडली जिससे बने, उन ज्योतिषाचार्यों को सबको घर के सामने वाले गेस्ट हाउस में ठहरा दो। ज्योतिषाचार्य लोग बुला लिए गए, सब व्यवस्था हो गई, संगीत मंडली वाले आ गए, वो लोग कीर्तन भजन गाने लगे। धाई माता वहीं बैठ गई। अब रात में क्या घटना घटती है, महाराज यशोदा ने पूछा, माता जन्म कब होगा बच्चे का? उसने कहा, अब आधी रात होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, अब समझ लो 2 घंटे में 3 घंटे में बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। यशोदा क्या तुम्हारे उदर में कुछ दर्द हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं, हमको तो नींद आ रही है। योग माया का प्रभाव शुरू हो गया, थोड़ा नींद की झपकी आ रही है। महाराज जो बाजा बजाने वाले थे ना, उन लोगों को बाहर जहां बाजा बजा रहे थे, गा रहे थे, सबको नींद आई, सब लोग आलस से का अनुभव किए, सब सो गए। और जो घर के अंदर महिला संगीत मंडली थी, वो लोग कोई मजीरा बजा रही हैं, कोई महाराज पखावे तबला बजा रही हैं, कोई बांसुरी बजा रही हैं, महाराज अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र लिए हुए माताएं अब झोंका खाने लगी। अब वो झोंका खाते हुए गाती हैं, तो एक बार बोलती हैं हरे राम, तो फिर करती हैं हरे, ऐसे करती हैं, झोंका खाती हैं, बीच बीच में शब्द बोलती हैं, जमाई लेती हैं। अब फिर एक दूसरे से बोली, अरे बोला नहीं जा रहा, नींद बड़ी जोर की आ रही है। अपने हाथ में मजिया लिए हुए लुढ़क गई, कोई ढोलक पकड़े पकड़े सो गई,
जिसके हाथ में जो वाद्य यंत्र वही पकड़े पकड़े सो गई। सुनंदा बुआ को बड़ी जोर की नींद आई। उसने कहा देख बुढ़िया धाय तू सो नहीं जाना, मुझे जरा नींद आ रही, मैं थोड़ा आराम कर लूं, तू जगती रहना, भाभी से बातचीत करती रह। यशोदा ने कहा धाय माता मुझे तो नींद बहुत ज्यादा आ रही, मैं सो जाऊं तो बच्चा जब पैदा होने लगे तो जगा देना। तो धाय हंसने लगी। धाय ने कहा मैं तुमको क्या जगाऊंगी, सारे मोहल्ले को तुम ही जगा दोगी जब बच्चा पैदा होगा। लेकिन महाराज हुआ इसके उल्टा, यशोदा माता भी सो गई और धाय माता भी सो गई। योग माया के गंभीर प्रभाव में सब के सब जीव सो गए। गोकुल में सब लोग सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे और खर्राटे यहां तक सुनाई पड़ रहे। और महाराज उधर मथुरा में क्या हो रहा है, गोकुल में तो सब लोग सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं, गंभीर निद्रा में। इधर मथुरा के कारागार में, कंस के कारागार में वसुदेव देवकी को रोमांच हो रहा है, बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हृदय में आनंद की बाढ़ आ रही है। चकित होकर देखते हैं क्या हो रहा है। तब तक ऐसी घटना घटी कि जितने द्वारपाल थे सबकी आंखों में नींद आ गई और सब के सब अपने बर्छी भाले लिए लिए धड़ाम से धरती पर गिर गए और सब पड़ गए धरती पर, सो गए, एक भी नहीं जग रहा है। कारागार के उस कक्ष में उसी समय वसुदेव और देवकी देखते हैं, जहां घनघोर अंधकार था वहां एक नीला नीला सा हल्का सा प्रकाश आना सुनना शुरू हुआ और फिर वो प्रकाश तीव्र होने लगा, संपूर्ण उस कक्ष में प्रकाश छा गया। और उसके बाद उस प्रकाश के बीच में एक प्रकाश पुंज प्रकट होने लगा। उस प्रकाश पुंज के विस्तृत होने के बाद उसके मध्य में पीतांबर धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म युक्त वनमाला विभूषित चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए। प्रेम तोड़िए नारायण भगवान की जय। महाराज भगवान ने कहा वसुदेव देव की तुमने पिछले जन्म में बहुत तप किया था, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा था, इसलिए आज मैं तुमको पुत्र रूप में दर्शन देने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बालक बनकर के जन्म ले रहा हूँ। मैं तुमको इस बृहद रूप में अभी इसलिए आकर के बताने आया हूँ कि मुझे अभी शिशु रूप जब मैं तुमको दिखलाऊंगा तो तुम मुझको कंस से डरते हो, इसलिए गोकुल पहुंचा देना और गोकुल में नवजात कन्या है वहां उसको लेकर के आना। महाराज उसी समय कन्या का भी वहां गोकुल में जन्म हुआ है और यशोदा माता को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या पैदा हुआ क्या नहीं पैदा हुआ, क्योंकि वो सोती ही रही। जब भगवान ने कहा कि मुझे तुम गोकुल पहुंचा देना और वहां से कन्या को ले आना, इतना बोलने के बाद ठाकुर जी अपना वृहद रूप अंतर्धान कर लिए और एक सुंदर सा नन्ना सा बिल्कुल बहुत प्यारा सा स्निग्ध माखन की तरह से कोमल और नीलमणि की तरह से नीलम जैसा चमचमाता हुआ नीले वर्ण का शिशु प्रकट हो गया। अब कृष्ण का जन्म हुआ है। प्रेम से बोले भगवान कृष्ण चंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों आप अभी रुक जाइए, मैंने आप लोगों से यह निवेदन किया था कि कारागार में जो जन्म होगा उसका उत्सव नहीं मनाया जाएगा, जो मथुरा के कारागार में कृष्ण का जन्म होगा उसका उत्सव नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उत्सव मनाया जाएगा गोकुल में भगवान का जब जन्म होगा तब। तो अब बस 5 मिनट का ही समय है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 5 मिनट बाद गोकुल में जन्म होगा। इधर हमारे संगीत सेवक लोग बधाई उस समय गाएंगे और यहाँ पर जब गोकुल के जन्म की कथा सुनाई जाएगी थोड़ी देर बाद, तब यहाँ हमारे ब्राह्मण वृंद लोग आएंगे और पुरुष सूक्त का पाठ सुनाएंगे
और जो यहाँ ठाकुर जी के श्री विग्रह आए हैं उन सबको पंचामृत से स्नान कराया जाएगा पुरुष सूक्त की मंत्र के साथ। और इधर बधाई गाई जाएगी। भक्तों अभी आप सावधानी से कथा श्रवण करो। महाराज कारागार के सभी दरवाजों के ताले टूट टूट कर नीचे गिर गए, फाटक खुल गए और गोद में उठा करके एक टोकरी में रख करके भगवान बाल कृष्ण को श्री वसुदेव जी महाराज सिर पर लेकर के बाहर निकल पड़े। आकाश में उस समय चंद्रोदय हो रहा था, अर्धरात्रि की बेला थी, अष्टमी की रात्रि है, भादों के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि। महाराज वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग कृपा करके बैठ जाइए। अब कृपा करके बैठ जाइए, 5-7 मिनट कथा और होनी है। आप लोग यहीं बैठ जाइए, 5 मिनट कथा और होगी। ठाकुर जी की कथा प्रेम से 5 मिनट और सुन लीजिए। वसुदेव जी महाराज नवजात शिशु बाल कृष्ण को अपने सिर पर रख करके लेकर के मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने जमुना जी को पार करना चाहा, जमुना का तीव्र जल प्रवाह ऊपर उठता चला आ रहा है। भगवान ने जमुना जी का भाव देख करके अपने चरण को नीचे किया है, जल को स्पर्श प्राप्त हुआ प्रभु के चरणों का, और जोरों के साथ बहता हुआ जो ऊंचा उठता हुआ जल था वह एक साथ नीचे पहुंच गया और जमुना जी में रास्ता बन गया। फिर तो बड़ी सरलता के साथ वसुदेव जी जमुना पार कर गए और गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में जब जाकर के पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने देखा है नंद भवन का द्वार खुला हुआ है, दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ा, अपने आप खुला हुआ था, प्रवेश कर गए अंदर। वहां नवजात कन्या को उठाया, अपने बच्चे को लिटाया और फिर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के गोकुल से वापस मथुरा दिया गए। मथुरा में आकर के कारागार में प्रवेश किए, ज्यों ही कन्या को लेकर के बैठे हैं उसी समय हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गई, फाटक लग गए, ताले भी लग गए। और तब लिखा हुआ है भागवत जी में, अब कन्या रोई है। अब तक कन्या रोई नहीं थी, जन्म हुआ कितनी देर पहले, गोकुल से मथुरा तक आ गई, लेकिन कन्या ने रुदन अब किया जब कारागार में पहुंच गई। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, और कन्या जब रोने लगी तो द्वारपाल लोग जग गए और सब कहने लगे, अरे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, महाराज को खबर दो। महाराज को जाकर के खबर दिया है, कंस दौड़ता हुआ आया और उसने तुरंत ही उस कन्या को पकड़ करके उठाना चाहा। देवकी रोने लगी, मैं अपने बच्चे को वहां बचाने के लिए भेज दिए और दूसरे की कन्या मेरे कारण से मारी जा रही है, ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत प्रार्थना करने लगी, इसको छोड़ दो भैया, ये तो बेटी, ये तुझे साथ युद्ध नहीं करेगी। लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना, उस कन्या को लेकर के गया और घुमा करके उसके पैर को पकड़ करके जब चट्टान पर पटकना चाहा
हाथ ऊपर किया ही था तब तक कन्या हाथ से छूट करके आकाश में गई और अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया है। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और दुर्गा माता ने कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारने की तू व्यर्थ ही कोशिश किया, तुझे मारने वाला, तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। और जब कंस ने सुना है कि मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तब उसने सोचा कि मैंने व्यर्थ में ही वसुदेव देवकी को कष्ट दिया, उसने कारागार से उनको मुक्त कर दिया। महाराज अब आप मथुरा से गोकुल जी चलिए, दो चार मिनट कथा और सुन लीजिए। मथुरा से गोकुल जी चलिए, अब गोकुल में क्या हो रहा है, सब लोग वहां सो रहे थे। सहसा सुनंदा बुआ की आंख खुली, उसको चिंता थी, उसने आंख खुलते ही सिर उठा करके भाभी की ओर देखा कि भाभी के कोई बच्चा पैदा होने वाला था, हुआ कि नहीं हुआ। तब तक उसने देखा कि यशोदा के बिल्कुल गोद के पास हल्का हल्का सा नीला प्रकाश हो रहा है। अरे ये कैसा विचित्र नीला नीला प्रकाश है, अरे ये तो छोटा सा बच्चा है। दौड़ करके गई सुनंदा और देखा, हाँ हाँ ये तो बच्चे का जन्म हो गया और भाभी तो सो रही, इसको पता भी नहीं है, इसको तो मालूम भी नहीं हो पाया और बच्चे का जन्म हो गया। इतना खुश हुई सुनंदा कि भागती हुई बाहर गई और नंद बाबा को झकझोर करके जगाया और कहा, भैया बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई मांगे हाथी घोड़ा, कोई मांगे पालकी, कोई मांगे हाथी घोड़ा, कोई मांगे पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई मांगे हाथी घोड़ा, कोई मांगे पालकी, कोई मांगे हाथी घोड़ा, कोई मांगे पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 वृंदावन बिहारी लाल की।